الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، طلبۂ علوم نبوت، بالخصوص گل گلزار سیادت، نازش قادریت، ناشر مسلک اعلی حضرت، حضرت بابرکت، عزت مآب، کرم گستر، حضور گلزار ملت، دامت برکاتم العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ، حاضرین باوقار، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور ایمان افروز بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، شہر ناگپور کی اس عظیم روحانی شخصیت کی یاد میں منعقد ہے جس نے مکمل 100 سال سے اپنے فیوز و برکات کی بزم سجا کر لوگوں کے دل و دماغ کو معطر کرنے کا کام کر رہی ہے. اس اجلاس کا عنوان عرس تاج الاولیاء ہے. یہ عنوان بتا رہا ہے کہ آج عشاقان تاج الاولیاء ماشاءاللہ اپنے اس عظیم روحانی پیشوا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آل انڈیا بزم گلزار ملت کی طرف سے یہ شاندار اجلاس، جس کو صرف دیکھ کر کے ہی ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، اعلیٰ انتظام، اور پھر ہندوستان کے مختلف خطوں سے علماء کرام اور سادات کرام کا یہاں پر اجتماع، ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب حضور گلزار ملت کی سبحان اللہ برکتیں ہیں اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں. مجھ سے پیشتر آپ نے
नातें सुनी, मनकबत के अशार सुने, शानदार तकरीरें सुनी, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ईमान और अकीदे के तहफ्फुज़ के हवाले से मुदल्लल और मुस्तनद बातें आप तक पहुंचाई गईं। मेरे बाद भी ये सिलसिला कल तक बल्कि कई रोज़ तक इंशाअल्लाह चलता रहेगा। कुछ मिनटों के लिए मैं आपके दरमियान हूँ। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत, सरवर कायनात, फ़ख्रे मौजूदात अलैहि तहियतो वस्सना की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हजरात, आज हम लोग अल्लाह के एक महबूब बंदे का तज़किरा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर और आप पर माशाल्लाह बेपनाह करम और फजल फरमाया कि उसने हमारा रिश्ता अपने महबूबों से जोड़ दिया। सुभानअल्लाह, ये सारी बहारें, ये सारी अजमतें, ये सारी बुलंदियां, ये सारी रिफायतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सबब है और ये सब निस्बतों की ही बहारें हैं। बेशक हम अगर सहाबे किराम से मोहब्बत करते हैं तो निस्बत रसूल की बिना पर, अगर हम अहले बैत से अकीदत रखते हैं तो निस्बत मुस्तफ़ा की बिना पर, औलियाए किराम की अकीदत अगर हमारे दिल में है तो निस्बत रसूल की बिना पर, बेशक अगर हम उलमाए किराम का एहतराम करते हैं तो निस्बत रसूल की बिना पर, जिसका रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे 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 उस्तवार होगा, जिसके निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकी रहेगी, अजबतों की ये सारी दास्तान उसके लिए सुनाई जाएगी। बेशक बेशक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के दिलों की पाकीजगी के लिए और उनके कुलूब व अजहान की तत्हीर के लिए जो जिद्दोजहद फरमाई और इंसानों के दिलों को मनव्वर करने के लिए जो आपने मेहनतें की, उन मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद की जा रही है। बेशक बेशक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पाकीज़ा तालीम इंसानों के सामने रखी उसके सबसे पहले अमीन और सबसे पहले मुहाफिज जमात का नाम सहाबा है। बेशक सुभानअल्लाह, ये वो मुकद्दस जमात है जिसने
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नाजिल होने के वक्त जो खास कैफियत तारी होती थी, उस कैफियत का दीदार करने वाली जमात इस मुकद्दस जमात के जरिया जो रसूल पाक की तालीमात हम तक पहुंची, उस पर इस्लाम की बुनियाद है। बड़े प्यारे अंदाज में अभी आप नाते मुस्तफा समात कर रहे थे, माशाल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का शेर है, रब है मुअती ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम और आप रोजाना पढ़ते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, हाय हाय हाय, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, माशाल्लाह। ये अकीदा और ये बातें जो हम कौम तक पहुंचाते हैं, इसके सुनने वाले रसूल पाक की ज़बाने मुबारक से वही शख्सियत है जिसका जिक्र अभी आपने मुझसे पहले सुना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, मैं बांटता हूं खुदा देता है। माशाल्लाह। ये हदीस हम तक अगर पहुंची है और हम ये कहते हैं कि नबी कासिम नेमत हैं, अगर हमारा ये एतकाद है कि नबी नेमतों को तकसीम फरमाते हैं, तो ये एतकाद ये तालीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तक जो पहुंची, तो इसके रिवायत करने वाले हजरत सैयदना अमीर मुआविया ही हैं। अल्लाह। अगर वाह 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 वाह, उनकी शान कोई घटाता है, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तो गोया हमारे इस अकीदे पर वो कुल्हाड़ी चला रहा है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, शाख पर बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, शाख पर बैठ कर जड़ काटने की फिक्र में हो, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। क्या कहना, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही घर को कोई आग लगा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही नशीमन को कोई जला रहा हो, क्या बात है, वाह वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही नजरियात की कोई तरदीद कर रहा हो, जी 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 जी, वाह वाह वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाशऊरी तौर पर वो कानून शरीयत की बुनियाद को ढाने की कोशिश कर रहा हो, अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लाम के सारी इमारत को जमी बोस करने की कोशिशें की जा रही हो। अल्लाह अकबर। चंद साल पेशतर मैं हुजूर ताजु शरिया अली रहमत और रिजवान की बारगाह में हाजिर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर ताजु शरिया अली रहमत और रिजवान से अर्ज किया, हुजूर इस वक्त बेशुमार फितने हैं, मगर मेरी समझ से इस वक्त दो फितने बहुत तेजी से मुसलमानों के घरों में दाखिल हो रहे हैं। हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिजवान तशरीफ फरमा थे। मैंने कहा, हुजूर बड़े दानिशमंदाना तरीके से बड़ी मुनज्जम साजिश के तहत अहले सुन्नत के अकीदे पर शबखून मारने की कोशिश हो रही है, मगर बहुत प्यारा प्यारा नाम दे करके इनको डसा जा रहा है। तसव्वुफ के नाम पर अल्लाह अकबर सुलह कुल्लियत फैलाई जा रही है और मोहब्बत के नाम पर राफिजियत फैलाई जा रही है। अल्लाह अल्लाह। मैंने जब यह बात कही तो हजरत ने फरमाया कि आप ठीक कह रहे हैं। हाय हाय। मैंने खुद अपनी आंख से देखा,
लखनऊ के एक रोड के बगल में एक बोर्ड लगा हुआ था, शिया और सूफी इत्तेहाद जिंदाबाद। सूफी और शिया इत्तेहाद क्या मतलब? सूफियों का नजरिया, उनका अकीदा अलग, अहले तशय्यो का और अहले रिफ्ज का नजरिया और अकीदा अलग, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तसव्वुफ नाम है दिल की पाकीजगी का, बेशक। तसव्वुफ नाम है गुनाहों से दूर रहने का, बेशक। तसव्वुफ नाम है दिल के आईने में मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा के गुलदस्ते को सजाने का, बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। तसव्वुफ नाम है गुरूर और तकब्बुर, असबियत और हसद और बुग्ज़ कीना से अपने आप को पाक रखने का। तसव्वुफ नाम है दुनिया को पैरों की ठोकरों से उड़ाने का। तसव्वुफ नाम है अल्लाह रसूल से अपने ताल्लुक को मजबूत करके दुनियादारों को हकीर समझने का। तसव्वुफ नाम है हुक्मरानों के दर से दूर रहने का। तसव्वुफ नाम है खुदा की बारगाह में जबी साई करने का। तसव्वुफ नाम है गरीबों की परवरिश करने का। तसव्वुफ नाम है हर दर्द की दवा बनकर कौम के काम आने का। तसव्वुफ नाम है अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर मजबूती से कायम रहने का। बेशक बेशक, ये वो तसव्वुफ है जो हजरत बाबा ताजुद्दीन के दर से मिलता है। ये वो तसव्वुफ है जो इमाम गजाली ने अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो इमाम राजी ने अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो मौलाना रूम ने अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो अल्लामा शम्स तबरेजी ने अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो ख्वाजा गरीब नवाज ने अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो महबूब इलाही ने दिया है। ये वो तसव्वुफ है जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिया है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लेकिन तसव्वुफ की एक नई डिफिनेशन तैयार की गई, तसव्वुफ का एक नया माना बताया गया। किसी को बुरा न कहा जाए यही तसव्वुफ है। किसी की तकफीर न की जाए इसी का नाम तसव्वुफ है। किसी को कुछ न कहो इसी का नाम तसव्वुफ है। मैं 1400 साल की तारीख के हवाले से पूरे एतमाद के साथ ये अर्ज करना चाहूंगा, ये वो तसव्वुफ नहीं है जो सूफियाए किराम ने हमें अता किया है। ये वो तसव्वुफ है जो बदअकीदों की गोद में जन्म लेकर के और उनके जरिया परवान चढ़ाया जाता है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की बहुत अच्छा। खुदा के दर पर जबी साई की बजाय दुश्मनान इस्लाम के दर पर जबी साई की जाए और फिर कहा जाए कि हम सूफी हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल के गुस्ताखों को सर पे बिठाया जाए और फिर कहा जाए कि हम सूफी हैं। अजीम सूफी तसव्वुफ की कई तारीफों में एक तारीफ यह भी बताई गई है कि जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो और किसी की मोहब्बत ना हो, यह तसव्वुफ है। इस मेयार पर जब हम देखते हैं तो 1400 साल में सबसे बड़े सूफी की हैसियत से जिस जात को हम देख पाते हैं वो सैयदना सिद्दीक अकबर की जात। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, इस्लाम को तुम्हारे पैसे की जरूरत है, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे ताउन की जरूरत है, हर सहाबी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ लेकर के हाजिर हुआ, मगर तन्हा सिद्दीक अकबर की जात ऐसी थी कि जबान हाल से उसने कहा था, जब रसूल पाक ने पूछा था, ए अबू बकर, तूने अपने घर में भी कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, तो ये जवाब सिद्दीक अकबर का था, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह, ये जवाब सिद्दीक अकबर का था। तसव्वुफ की ये वो मंजिल है जो आज के
सूफी बनने वाले इसकी गर्द राह तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। ये वो तसव्वुफ है जो हजरत सिद्दीक अकबर ने हमें अता फरमाया है। और आपने रसूल पाक के दुश्मनों को सिर्फ यही नहीं कि काफिर कहा, बल्कि उनको तहे तेग किया और मार मार करके उनका दिमाग सही कर दिया। जिसने सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को बदलने की कोशिश की और ये कहा कि नबी के जमाने में ज़कात फर्ज थी, अब ज़कात फर्ज नहीं है, हम ज़कात नहीं देंगे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला उन्होंने जब ये सुना तो आपने सहाबा से मशवरे के बाद फरमाया कि अगर रसूल पाक के जमाने में कोई अपने जानवर की रस्सी भी इस्लाम के लिए देता था और अगर आज नहीं देगा तो अबू बकर उससे भी जिहाद करेगा और उसे भी सबक सिखाएगा। जिन लोगों ने ज़कात का इनकार किया, सिद्दीक अकबर ने उनसे जिहाद करके ये बता दिया कि इस्लाम के कानून की पामाली करने वाला सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। और लोग कहते हैं कि सूफी किसी को कुछ कहते नहीं हैं, ये नजरिया फैलाया जा रहा है। आप हजरात इस नजरिए से अपनी हिफाजत कीजिए। फितनों का दौर है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी लअरल फितन तकौ खिलाल बुयूतकुम कवकइल मतर। सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी लअरल फितन, मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों पर ऐसे ही उतर रहे हैं जैसे कि बारिश के कतरे उतरते हैं। जिस तेजी से बारिश के कतरात तुम्हारे घरों पर उतरते हैं, इसी तरीके से फितने तुम्हारे घरों पर उतर रहे हैं। रसूल पाक ने ये देख करके इरशाद फरमाया, इन्नी ला अरल, मैं देख रहा हूं फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। 1400 साल पहले रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, आज हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, घरों में फितना घुस गया, दरसगाहों में फितना घुस गया, खानकाहों में फितना घुस गया, इबादतगाहों में फितना घुस गया, लेकिन हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब कुफर गुजरता है हद से, जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन अगर होता है कोई, मूसा कोई पैदा होता है। जब भी फितने जन्म लिए हैं, तारीख ये बता रही है, रब्बे कदीर ने अपने मोमिन बंदों की हिफाजत का कुछ न कुछ इंतजाम कर लिया है। चुनांचे हम ये देखते हैं कि जब फिरौन ने फिरौनियत दिखाई, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा पैदा फरमाया, और जब नमरूद ने नमरूदियत दिखाई, रब्बे कदीर ने हजरत इब्राहिम को पैदा फरमाया, और जब यजीद ने यजीदियत दिखाई, रब्बे कदीर ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। आप हिंदुस्तान में चले आइए, जब दीन इलाही ने अपना फितना बरपा करना चाहा, रब्बे कदीर ने सर हिंद शरीफ पंजाब में मुजद्दद अल्फे सानी को पैदा किया, और जब हिंदुस्तान के एक अहद के बाद वहाबियत और देवबंदियत ने जन्म लिया, इमाम अहमद रजा पैदा हुए, और जब इस जमाने में मिनहाजियत और सुलह कुल्लियत ने जन्म लिया, तो रब्बे कदीर ने हुजूर ताजुशन फरमाया। और आज जब राफिजियत उभर रही है, मेरी नजर देख रही है कि ये शहजादा अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वाह वाह सुभान अल्लाह, हक है हक है। आखिरी बात बहुत तेजी से, मुबारक। एक है अकीदा और एक है अकीदत। जी 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 जी, अकीदा और चीज है और अकीदत, अकीदत से अकीदा नहीं बनता। अच्छा जी जी जी, अरे वाह 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 वाह, अकीदत से अकीदा नहीं बनता। जी जी, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। जी जी जी, जो लोग अकीदत की बिना पर अकीदा बनाते हैं जी, वो फिसल जाते हैं जी, और जो कुरान और हदीस की बुनियाद पर बनाते हैं, वो ऐलान करते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कभी अकीदत की बुनियाद पर अकीदा न बनाइएगा, वरना जो लोग अकीदत की बुनियाद पर अकीदा बना रहे हैं
वो फिसल रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। अकीदत हर एक को अपने बाप से होती है, इसमें कोई शक नहीं है, हम इससे कहां इनकार कर सकते हैं। लेकिन शरीयत की कुछ हदूद भी होती है, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान, हाँ यही इम्तिहान है, यही तो देखना है कि तुम अकीदत में अकीदा बना रहे हो कि शरीयत की रोशनी में अकीदा बना रहे हो। हम अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनाते बल्कि शरीयत की बुनियाद पर अकीदा बनाते हैं। हम अगर सहाबा की अजमत बयान करते हैं तो सिर्फ अपनी अकीदत की बुनियाद पर नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा का फरमान है, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन अहदकुम अनफका मिसला उहदिन ज़हबा मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। रसूल पाक ने फरमा दिया मेरे सहाबा में से किसी की शान में तबर्रा न करना, उनकी शान ये है कि अगर तुम में का कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और मेरा एक सहाबी 2 किलो या 4 किलो जाओ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी के 2 किलो जाओ का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हम मजबूर हैं कानून इस्लाम के सामने, हमारी भी अकीदत चाहती है कि हम दिलो जान हुजूर गुलजारे मिल्लत के कदमों में डाल दें। हमारा भी एहतराम ये बोल रहा है कि ऐसे खानवादे में क्या कोई ऐसा भी हो सकता है, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन शरीयत का पास, शरीयत का लिहाज यही हमको मजबूर करता है कि उसकी हद से आगे न बढ़ना। जो लोग यजीद की आड़ में अमीरे मुआविया को गलत कह रहे हैं, उन्होंने शरीयत के कानून को समझा ही नहीं। शरह अकायद बड़ी मोतबर किताब है, उस किताब में जो अकायद की किताब है, दरस निजामी में दाखिल निसाब है, पढ़ाई जाती है, उसमें लिखा हुआ है सहाबे किराम के दरमियान जो मुशाजरात हुए, जो तनाजुआत हुए, जो इख्तलाफात हुए, हमको क्या हक बनता है कि हम उसका जिक्र करें, उसमें पढ़ें। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने सारे अपने महबूब के सारे सहाबा से जन्नत का वादा कर चुका है। तो जब अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया तो हम कौन होते हैं उसमें जबान दराजी करने वाले। जबान दराजी अहले बैत की शान में करना ये खारजियों की अलामत है, उन्हें भी पहचानने की जरूरत है, उन्हें भी समझने की जरूरत है। आदमी को चाहिए कि अपने दोस्त को भी पहचाने और अपने दुश्मन को भी पहचाने। अगर उसने दोस्त और दुश्मन दोनों को नहीं पहचाना तो कहीं ना कहीं वो गड्ढे में गिर जाएगा, कहीं ना कहीं वो नुकसान उठा लेगा। खारजियत की शक्ल का नाम इस जमाने में वहाबियत है। बड़े एतमाद से मैं कह रहा हूँ, आपके इसी महाराष्ट्र सूबे का सबसे मशहूर शहर बॉम्बे, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसे अरुसुल बिलाद कहा जाता है। एक शख्स वहाँ स्पीच देते हुए कहता है, क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को करबला जाने की, क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को मैदान करबला अपने बाल बच्चों को लेकर पहुंचने की, क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को यजीद के मुकाबले में जाने की। और आगे वो कहता है कि इमाम हुसैन ने गलती की, यजीद बरहक अमीरुल मोमिनीन था, यजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए। इसी बॉम्बे की सरजमीन पर एक शख्स इस तरह की स्पीच दे रहा है, तकरीर कर रहा है। सुनो, मैं अर्ज करता हूं, इमाम हुसैन मैदाने करबला में अगर गए थे इसलिए नहीं गए थे कि वो अपनी हुकूमत बचाएंगे, अपना इख्तदार बचाएंगे। उनके इख्तदार का ऐलान तो उनके नाना जान ने बहुत पहले कर दिया था। अल हसन अल हुसैन सैयदा शबाब जन्ना, हसन हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, उनको इख्तदार की क्या जरूरत थी। रब्बे कदीर ने तो उनके घर से दूसरों को इख्तदार अता फरमाया, वो इख्तदार लेने नहीं गए थे बल्कि उन यजीदियों को जन्नत का परवाना देने गए हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लेकिन बात क्या है, एक मिसाल देकर मैं अपनी गुफ्तगु खत्म करता हूं। सूरज है, सूरज जब चमकता है तो कभी कभी बच्चे एक तमाशा करते हैं, खेल करते हैं।
उकेल क्या करते हैं, अपने साथियों के चेहरे पर आईना कभी कभी धूप में ले जा करके ऐसे दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। वाह वाह। तो होता क्या है कि वो उसका दोस्त अगर घर के अंदर कहीं होता है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, फिर वो अगर कहीं तारीख कमरे की तरफ आईना करता है तो कुछ दूर वहां भी रोशनी हो जाती है। ये खेल बच्चे करते रहते हैं। तो सूरज अपनी रोशनी और अपनी किरणें पहुंचा रहा है, आईने ने उस किरण को अपने अंदर जज्ब कर लिया और उसके बाद में उसने, जिसको आपकी जबान में रिप्लाई कहते हैं, उसने फेंका, तो अब वो किरणें जा करके तारीख कमरे में पड़ी और जहां वो किरणें गईं आईने के जरिया वो कमरा भी उतनी दूर रोशन हो गया। ये आईने की खूबी होती है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चे के उस खेल को देख करके सोचे कि लाओ मैं जरा, बीवी जिस तवे पर रोटी पकाती है, बच्चा तो आईने को सूरज के सामने रख करके और लोगों का तमाशा कर रहा है, लाओ जरा मैं एक तवा ले लूं घर का और उसको सूरज के सामने रख करके लाओ मैं भी जरा घुमा करके बीवी की आंखों को चकाचौंध कराऊं। तो सुबह से शाम तक वो सूरज के सामने तवा ले करके घुमाता रहे, लेकिन वो तवा जैसे का था वैसे ही रहेगा। न उसके अंदर किरणें आएंगी और न वहां से रिप्लाई होगी, न वहां से किरणें किसी और तरफ जाएंगी। मुझे बताया जाए, आईने को आपने सूरज के सामने रखा तो आईना खुद भी रोशन हो गया और दूसरे को भी रोशन कर दिया, मगर तवा न खुद रोशन हो सका न दूसरे को रोशन कर सका। वो तारीख था तो तारीख ही रहा। आप मुझे बताइए इसमें कसूर किसका है? कसूर आईने और तवे तवे का है या आफ्ताब का है? आप कहेंगे ये तो बिल्कुल बदी ही बात है, वाजे बात है कि इसमें कसूर आफ्ताब का कुछ भी नहीं है। आफ्ताब तो अपनी किरणों को बिखेर ही रहा है। अलबत्ता आईने के अंदर ये सलाहियत थी कि वो खुद भी उसकी किरणों को कैच करके दूसरे को रोशन कर दिया, और तवा चूंकि बेसलाहियत था इसलिए दिन भर उसे आपने सूरज के सामने किया तो वो कुछ फैज नहीं पा सका। इसी तरीके से मैदाने करबला में कुछ आईने की तरह दिल थे कि जिन्होंने उस सूरज जैसे जात को देखा तो उनका दिल रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया, और वो यजीदी वो तवे की तरह से थे। वो सूरज के सामने रहे मगर वो बेफैज रहे। जो आईने की तरह चमक गया उसे हुर कहा जाता है, और जो तवे की तरह काले का काला रह गया उसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। हाय हाय हाय। अरे वाह 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 वाह। मुबारक हो। वाखर दावाना अनिल।